इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। आज बात करेंगे उस आयोग की, उस रिपोर्ट की जिसका इंतजार पूरे मुल्क को था, और वो इसलिए था क्योंकि इसमें हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े सियासी परिवार के दामाद का जिक्र होना था। वो इसलिए था क्योंकि एक ऐसे शख्स के बारे में इसमें बातचीत होनी थी, उसने घोटाला किया या नहीं किया, उसको फायदा पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया, उस एक ऐसे शख्स के बारे में भी बात होनी है इस रिपोर्ट में। आर से चुनावी मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहे हैं, ढींगरा आयोग के रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के बाद चर्चा का आगाज करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में है क्या और इस रिपोर्ट के आने के बाद क्या कुछ हो सकता है। इस रिपोर्ट के आने से पहले कौन से लोग थे जो इस पर उंगली उठा रहे थे और उनकी मंशा क्या हो सकती है। वाड्रा लैंड डील मामले में जस्टिस ढींगरा ने अपनी रिपोर्ट मनोहर सरकार को सौंप दी है। उन्होंने सील बंद लिफाफे में 182 पेज की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट सौंपने के बाद माना जा रहा है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह और रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सरकार ने अपनों को फायदा पहुंचाया है। माना यह जा रहा है कि आयोग ने अपने रिपोर्ट में पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है। आयोग ने कहा कि दो हिस्सों में उन्होंने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें एक में नतीजे हैं और दूसरे में सबूत। सभी विषयों पर विस्तार से रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में क्या है? See, I don't know about which particular company you are talking. My mandate was to inquire about irregularity in grant of licenses. See, रिपोर्ट अगर इरेगुलरिटीज नहीं होती तो मैं सिर्फ एक सेंटेंस की रिपोर्ट देता कि इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं। मेरी रिपोर्ट में 182 पेज हैं, तो बिना मिले 182 पेज लिखने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं था। अशोक खेमका को बुलाना होता तो मैं बुला लेता। ये मैंने जरूरी नहीं समझा कि मैं उन्हें बुलाऊं। मैंने जिसको जरूरी समझा उसे बुलाया। 14 मई 2015 को हरियाणा सरकार ने आयोग बनाया। गुरुग्राम और आसपास के जमीन सौदों की जांच के लिए आयोग, गुड़गांव का सेक्टर 83, शिकोहपुर, सिकंदरपुर, खेड़की दौला, सीही, वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 7.5 करोड़ में खरीदी जमीन, लैंड यूज बदलने के बाद 55 करोड़ में बेची जमीन। रिपोर्ट में हुड्डा सरकार को ठहराया जिम्मेदार, सरकारी कायदे ताक पर रख देने का आरोप, वाड्रा की ली गई जमीन का लैंड यूज बदलने का आरोप, खेती की जमीन को कारोबार के लिए खोलने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस ढींगरा ने अपने रिपोर्ट में कई सरकारी अधिकारियों को तमाम नियम कानून ताक पर रखकर प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया है। आयोग के रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक साजिश समेत कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इनमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। मेरी रिपोर्ट दो भागों में है। एक भाग में फाइंडिंग्स हैं, दूसरे भाग में उस फाइंडिंग के साक्ष्य हैं। अब साक्ष्य की हिंदी तो आती होगी आप लोगों को, अंग्रेजी हाँ, एविडेंस है। तीसरा भाग वो है जिसको रिपोर्ट का अनेक्चर नहीं बनाया गया, वो
उनमें से वो कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो मुझे 30 जून को मिले थे, जिनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है और मैंने उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी रिपोर्ट में कहा है। यही नहीं, इस रिपोर्ट की आंच पूर्व सरकार के कई अफसरों पर भी आने की उम्मीद है। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ढींगरा आयोग को खट्टर सरकार की कठपुतली बताया है। देयर इज टिल डेट नॉट ए विस्पर ऑफ एनी फाउल प्ले, एनी रॉन्ग डूइंग, एनी वायलेशन ऑफ लॉ, पॉलिसी, रूल्स और रेगुलेशन इन ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ऑन बाय मिस्टर वड्रा। कि जस्टिस एस एन ढींगरा आयोग के गठन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सीधा षड्यंत्र एक है, वो है आरोप लगाना, बदनाम करना, कांग्रेस नेतृत्व से जोड़कर छवि खराब करने की कुत्सित कोशिश करना। इसलिए पूरा ढींगरा आयोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बनकर सीमित रह गया। ढींगरा आयोग ने जांच के दौरान 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा अफसर शामिल हैं। आयोग ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी से जुड़ी कई कंपनियों के अफसरों और कुछ दूसरे लोगों से भी पूछताछ की, कुछ बयान गवाह के तौर पर और कुछ लोगों के बयान पार्टी के तौर पर दर्ज किए गए हैं। आयोग ने रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं निशांत सिंह जी इनेलो से और रंजिता मेहता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रंजिता जी, आवाज मिल रही है आपको? रंजिता मेहता जी, सुन पा रही हैं आप हमें? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, बहुत कुछ डिस्कनेक्ट होगा। आप तो निशांत सिंह जी इस वक्त हैं फोन लाइन पे। निशांत सिंह जी, रिपोर्ट आ गई, क्या उम्मीद और कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, मैं ये कहूंगा कि बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा था वाड्रा लैंड डील का, जिसमें बहुत बड़े लोग जो इन्वॉल्व थे। हाँ। हमने भी इस बात को उठाया और ऐसे बड़े मुद्दों के लिए आयोग गठित हुआ। आयोग ने अपनी फाइंडिंग आज माननीय मुख्यमंत्री को दे दी। तो ऐसे मुद्दों पे जाकर के हम तो ये कहेंगे, हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि उस ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को पहले तो सार्वजनिक किया जाए। ठीक है, क्योंकि पिछली जो रिपोर्ट आई थी प्रकाश सिंह कमेटी की, उस रिपोर्ट में भी सरकार ने ऐसे ही किया कि अपनी सुविधा के अनुसार जो है ना एक्शन किया, जबकि उस रिपोर्ट को फॉलो नहीं किया, बहुत बदनामी हुई और प्रकाश सिंह आज उस पे किंतु परंतु भी करते हैं। हम ये कहेंगे कि व्यक्ति बड़ा कितना भी हो, कितना भी रसूखवाला हो, उसके खिलाफ जो भी वो गिल्टी करार दिया है, जो फाइंडिंग अपनी दी है ढींगरा कमीशन ने, उस पे सरकार को अमल करना चाहिए और रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। जी ठीक है, मुझे एक बात बताइए निशांत सिंह जी, आप लोगों ने भी बहुत शिकायत की थी, लगातार ये कंप्लेंट्स होती रही कि भाई फाउल प्ले हुआ है और उनको फायदा पहुंचाया गया है। अब जब ये रिपोर्ट आ गई, ढींगरा साहब ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई गलत काम नहीं हुआ होता तो मेरी रिपोर्ट एक पन्ने की होती, 182 पन्नों की नहीं होती। सरकार से क्या चाहते हैं, इसको सार्वजनिक करने के अलावा क्या चाहते हैं, कितना उम्मीद करते हैं, कितना वक्त मिलना चाहिए सरकार को कि उसको स्टडी करे और उस पर एक्शन ले? देखिए, टोटली सरकार के हाथ में होता है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी और उसके बाद गवर्नमेंट की एक ड्यूटी बनती है, पहले सार्वजनिक करे, मीडिया के जरिए सब लोगों को पता लगे कि कमीशन ने रिपोर्ट फाइंडिंग क्या दी है, और दूसरी बात उसको लागू करना, इन्वेस्टिगेशन किन लोगों की इन्वॉल्व किया है उन्होंने सारी बात में, उसके ऊपर कार्रवाई तो गवर्नमेंट ने करनी है, वो ईमानदारी से करे, ऑनेस्टली करे, हम ये चाहते हैं, मेयर केयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। रंजिता मेहता जी हैं हमारे साथ कांग्रेस से। रंजिता जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। डर लग रहा है? किस बात का डर? डर नहीं लग रहा है अगर आपको और आपकी पार्टी को, तो मैं बताता हूँ ना मैडम, सुन तो लीजिए, यही प्रॉब्लम हो गई है आपकी पार्टी के साथ कि रिपोर्ट सौंपा ढींगरा साहब ने, उधर चंद मिनटों के अंदर रणदीप सुरजेवाला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ गए। उनको क्या जरूरत पड़ गई थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रणदीप सुरजेवाला हर रोज रूटीन में करते हैं, कभी किसी विषय पर, कभी किसी विषय पर करते हैं। आज जिस विषय पर किया, मैं उस विषय की ही बात कर रहा हूँ। जहाँ तक ढींगरा आयोग की बात, ढींगरा साहब का उसका जो
है वो सबके सामने आया है, जब वो खुद अपने एनजीओ के लिए प्लॉट लेते हैं, अपने नाम पे करवाते हैं, उसके बाद उसके लिए 10 करोड़ दी जाती है। रिंदा हाँ बोलिए मैम। रंजीता जी आवाज मिल रही है आपको? बीजेपी सरकार है बढ़ते हुई लोकप्रियता को देखकर हुड्डा साहब की वो नहीं। मैंने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए, उसका उत्तर पूछ रहा हूं आपसे। रिपोर्ट सौंपे जाने के चंद मिनटों के बाद ही क्या जरूरत पड़ गई रणदीप सुरजेवाला जी को कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ गए? क्यों जरूरत पड़ी? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही रंजीता जी। हाँ बहुत कुछ प्रॉब्लम है इस देश में, और हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी टीम दोबारा फोन करे और दोबारा से आपको जोड़ने की कोशिश करे। निशांत सिंह जी आपको आवाज मिल रही है? निशांत सिंह जी चलिए इनका भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कई बार नेटवर्क डिस्टर्ब रहता है तो इस वजह से परेशानी होती है। सरकारों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम ये चर्चा कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के ये जो प्रवक्ता हैं इनको क्यों जरूरत पड़ गई थोड़ी ही देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। और क्या कांग्रेस ने पहले से जवाब तैयार रखा था? क्या कांग्रेस को पहले से पता था कि आखिर इसमें क्या कुछ होने वाला है, क्या बोला जाने वाला है, क्या कुछ इस रिपोर्ट में होगा? क्या ये एक कांग्रेस के मन में पहले से था कि कैसे डिफेंड करना है, इसके बारे में कांग्रेस ने पहले से तैयारी कर रखी थी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम बीजेपी से भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं और जनता ये जानना चाहती है कि क्या इसको भी सार्वजनिक किया जाएगा, जैसे प्रकाश कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसको सार्वजनिक किया गया था, तो क्या उसी तरह इसको भी सार्वजनिक किया जाएगा? और क्या अब इसमें फिर से वही नहीं हो जाएगा जो प्रकाश सिंह की रिपोर्ट के साथ हो गया, तो बीजेपी आगे क्या करेगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बीजेपी ने वक्त वक्त पे ये सवाल उठाते रहे हैं वो लोग, चाहे वो चुनाव जीतने के बाद हो, सरकार बनाने के बाद हो, या सरकार बनाने से पहले भी वो ये प्रश्न उठाते रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटेंगे। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का बिना बिलीव व चट्टान। धान की सफल खेती के लिए बायर नेटिवो। नेटिवो देता है हरी भरी स्वस्थ फसल, चमकीले वजनदार दाने, अधिक उपज और विभिन्न रोगों की सही रोकथाम। नेटिवो के एक छिड़काव का देखो कमाल, दो छिड़कावों में उपज और भी धमाल। नेटिवो बड़ा ही शुभ है, मेरी सफलता में सच्चा मित्र। नेटिवो मेरा वृद्धि मित्र, आप भी जरूर आजमाएं। होली हार्ट एडवांस्ड कार्डियक केयर एंड रिसर्च सेंटर, चार कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ की टीम है, 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अत्याधुनिक मशीनों, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बेहतरीन टीम के साथ यहां का सपोर्टिंग स्टाफ मरीजों का रखता है पूरा ख्याल। हमारा लक्ष्य है सभी मरीजों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से समय रहते विश्व स्तरीय इलाज प्रदान करना। फ्लैट पैनल चैथ लैब के साथ साथ हाईटेक ICCU की सुविधा भी उपलब्ध है। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, इंडोफिल का अवतार। कपड़े 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 हर जगह दिखेंगे आपको, कौन सा लेंगे? कपड़ा बहुत सुंदर है, कमी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे नहीं जचता है। बिलीव मी, वेलकम टू सूट्स यू। यहाँ पर मैं आपके साथ बैठ के आपका पूरा वार्डरोब कलेक्शन चेक करूंगी। बनगला हो या शेरवानी, बिजनेस सूट्स हो या कुर्ता पजामा, हर चीज में आप अच्छे दिख सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी और मैं हूँ आपकी स्टाइलिस्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल,
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हिंदुस्तान में बड़ी आबादी आज भी भुखमरी का शिकार है और उसमें से भी ज्यादा बड़ी आबादी उन बच्चों की है जो कुपोषित है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत हाईएस्ट रैंकिंग में उन देशों में है जहां बच्चे माल न्यूट्रिटेड है और ऐसे बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए ही सरकारों की तरफ से हर साल ये सप्ताह मनाया जाता है। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नु मन्नु का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो, मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। अदामा का कस्टोडिया, फसलों की पैदावार बढ़ाने वाला एक अद्भुत फफूंद नाशक। कस्टोडिया फसलों को स्वस्थ रखे, अधिक पैदावार व गुणवत्ता लाए, फसलों को बीमारियों से बचाए। कस्टोडिया एक वंडर फंगीसाइड। हिंदुस्तान में बड़ी आबादी आज भी भुखमरी का शिकार है और उसमें से भी ज्यादा बड़ी आबादी उन बच्चों की है जो कुपोषित है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत हाईएस्ट रैंकिंग में उन देशों में है जहां बच्चे माल न्यूट्रिटेड है और ऐसे बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए ही सरकारों की तरफ से हर साल ये सप्ताह मनाया जाता है। धान के सफल खेती के लिए बायर नेटिवो। नेटिवो देता है हरी भरी स्वस्थ फसल, चमकीले वजनदार दाने, अधिक उपज और विभिन्न रोगों की सही रोकथाम। नेटिवो के एक छिड़काव का देखो कमाल, 2 छिड़कावों में उपज और भी धमाल। नेटिवो बड़ा ही शुभ है, मेरी सफलता में सच्चा मित्र। नेटिवो मेरा वृद्धि मित्र, आप भी जरूर आजमाएं। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। बिलीव व चट्टान। चलिए बड़ी खबर में हम आगे बढ़े, उससे पहले इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। इस वक्त चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, तावड़ू कांड में हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि मामले की जांच के लिए SIT टीम का गठन कर दिया गया है। SIT का गठन किया गया है। CM मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में इसके बारे में कहा है। IG या ADG स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में SIT काम करेगी। दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। तावड़ू के डिंगरहेड़ी गांव में डबल मर्डर, डबल गैंग रेप,
हुआ था और उस खबर को हमने भी प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद अब खबर आ रही है कि इस पर SIT का गठन कर दिया गया है। चलिए हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। अमित जी, एक बात बताइए कि ये रिपोर्ट आ गई, अब इस रिपोर्ट के बाद आगे क्या क्या ऑप्शन है सरकार के पास? देखिए, ऑप्शन तो स्पष्ट है, अगर जस्टिस ढींगरा ने रिपोर्ट सौंप दी है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस रिपोर्ट पे जो उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं। लेकिन उससे पहले क्या है कि कुछ संदेह के घेरे में जस्टिस ढींगरा आयोग जो है, तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर क्रोनोलॉजी देखी जाए इस पूरे केस की, तो दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले सवाल उठाया था कि इस ढींगरा आयोग के गठन के लिए ना तो कैबिनेट की मंजूरी ली गई और ना विधानसभा में पारित कराया गया ये एक्ट। तो उसके कई दिनों के बाद में सरकार का एक आया कि हमने कोरिगंडम दे दिया है, संशोधन कर दिया था, तो कहीं ना कहीं दिक्कत थी, इसका मतलब ये है। उसके बाद एक और बम फूटा था, रणदीप सुरजेवाला ने अनिल विज के उस बयान को कटघरे में खड़ा किया था जिसमें अनिल विज ने ये कहा था कि हमने कैग की रिपोर्ट को आधार बना के ढींगरा आयोग का गठन किया है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने ये कह दिया कि जब ढींगरा आयोग का गठन हुआ था तब तक कैग की रिपोर्ट आई नहीं थी, तो इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, ना अनिल विज के पास इसका जवाब था। अच्छा, एक और सबसे लेटेस्ट जो बम फूटा था वो ये था कि जो एक ट्रस्ट जिसमें ट्रस्टी खुद हैं जस्टिस ढींगरा, उस ट्रस्ट को रातों रात एक जमीन के टुकड़े को रातों रात सड़क बना दी गई, जबकि अन्य जितने भी ट्रस्ट हैं वर्षों बीत जाते हैं पत्राचार करते करते, सड़क नहीं बनाई जाती, तो कहीं ना कहीं फेवर हुआ है ट्रस्ट के साथ। इसके अलावा एक और भी लकुना है कि 6 महीने में रिपोर्ट देनी थी लेकिन 1 साल से ऊपर टाइम लग गया, तो ये तो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं सवाल। दूसरी बात जो आपने पूछी है कि सरकार को क्या करना होगा, तो सरकार को तो चाहिए जो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है उन पे कार्रवाई करे। लेकिन जस्टिस ढींगरा ने एक बात और कही है कि अगर इस रिपोर्ट को कोई कोर्ट में चुनौती देना चाहे तो चुनौती दी जा सकती है। हाँ, वो किसी भी चीज को चुनौती दी जा सकती है, तो इसका मतलब साफ है कि फुल प्रूफ रिपोर्ट ये नहीं है। नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि कुछ भी हो, किसी भी चीज को, इवन की लोअर कोर्ट्स के जजमेंट को भी कहीं भी उसको चुनौती दी जा सकती है अपर कोर्ट में, तो वो एक उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि 18 नवंबर 2015 को जींद में सीएम खट्टर ने कहा कि 6 महीने में वाड्रा को सजा मिल जाएगी, उन्होंने कहा जैसे ही रिपोर्ट सामने आएगी वाड्रा पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद 25 चार 2014 को उमा भारती ने चुनाव से पहले कहा कि वाड्रा का नाम लेने में भी शर्म आती है, वो उसने बहुत बड़ी चोरी की है और सरकार बनी तो वाड्रा को जेल जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मौकों पर इस तरह के बयान दिए, अनिल विज साहब ने कितनी बार कह दिया इस तरह के, मतलब बीजेपी के नेता अलग अलग टाइम पर ये कहते रहे हैं। तो अगर अब वो जेल नहीं भेजते हैं तो क्या उनकी क्रेडेंशियल पर सवाल नहीं उठता कि भाई अगर आपको पता ही नहीं था, अगर आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय कैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे? गौरव जी, बात वही आती है, अगर जेल भेजना होता तो उसके लिए आयोग की जरूरत नहीं होती, उसके लिए पुलिस थाने में एक सिंपल FIR से काम हो जाता है अगर मामला गड़बड़ का है तो। आयोग का जहां तक आपने देखा है, आयोग का काम क्या होता है, मिट्टी डालना होता है एक तरह से, मामले को लंबा खींच दो। हिंदुस्तान में ऐसे कई आयोग भी बने जिनकी रिपोर्ट्स चैलेंज हुई और उनपे फिर कुछ नहीं हुआ, और सबमिट करा दी गई तो उनपे अमल नहीं हुआ। तो बात यह है कि अगर सरकार की नियत जेल में डालने की होती किसी आरोपी की, तो किसी पुलिस थाने में जो जिसके क्षेत्राधिकार में वहां पे FIR दर्ज कराती और तुरंत वहां पे नॉन अवेलेबल वारंट करा के और उनको जेल के अंदर कर दिया जाता। आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगा, क्या सरकार के पास और खासकर CM के पास एक और मौका है कि वो अपने आप को ये प्रूव कर सके कि उनकी जो छवि बनी है पिछले कुछ वक्त में कि एक कमजोर CM है और वो कठोर कार्रवाई नहीं कर पाते, क्या उनके पास एक और मौका है आयोग की रिपोर्ट के बाद कि वो ये प्रूव करे कि नहीं वो मजबूत शासक है, मजबूत CM है? देखिए, मजबूत की या कमजोर की बात नहीं है, बात यह है कि क्या वो दोषियों को सजा देंगे या नहीं। अगर वो दोषियों को सजा देते हैं तो अच्छे प्रशासक सिद्ध होंगे, सीधी सी बात है। अगर छोड़ दिया दोषी को, चाहे कोई भी हो, तो जैसे चला रहा है प्रचलन, बात इन CM की नहीं है, जितने भी CM या जितने भी PM हुए हैं जिनके कार्यकाल में आयोगों का गठन हुआ है,
तो उनमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दोषियों को सजा दी गई हो। और देखिए देखिए एक बात और भी है इसमें, हाँ आयोग में इतना लचर आयोग रहा ये कि पूर्व मुख्यमंत्री जिन पे घोटाला करवाने का आरोप लगा था उनको समन दिया, लेकिन उस समन देने के बावजूद भी पेश नहीं हुए, पहुंचे नहीं, वकील को भेज दिया अपनी बात रखने के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। लेकिन इतना तो तय है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस रिपोर्ट में है क्या, और सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक हुड्डा साहब भी कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट की जद में आ सकते हैं। तो ऐसे में सरकार के कोर्ट में बॉल है कि आखिर उसको अपने गोल पोस्ट में दाग ले या सामने कांग्रेस के गोल पोस्ट में गोल कर दे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।